चाय के गिलास को लेकर जिला अस्पताल गेट के बाहर की तरफ चाय की दुकान पर चाय वाले से गिलास को लेकर हुआ विवाद। बहराइच से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चाय का 4 खाली गिलास मांगा और 2 रुपए दिए, यह बात चाय वाले को बुरी लगी। इस पर उस शख्स ने उसके ऊपर खौलती हुई चाय डाल दी। अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में इस जले हुए शख्स का बच्चा भर्ती है। यह कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, तभी चाय वाले से इसने 4 खाली गिलास मांगा और 2 रुपए दिए, यह बात चाय वाले को खराब लगी। उसने 4 रुपए मांगे, पीड़ित ने गिलास वापस दिया, बस चाय वाले को गुस्सा आ गया और उसने पीड़ित के ऊपर खोलती हुई चाय की केतली फेंक दी, जिससे एक लोग बुरी तरह से झुलस गए और 2 लोग घायल हो गए। वहीं तुरंत उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। मरीज के पिता को महंगा पड़ा। कुमार भास्कर है और मैं जात का जमात हूँ। मुझे यहाँ पे मेरे मामा जी लगते हैं, उनके बच्चे का इलाज करवाने के लिए इस हॉस्पिटल में लाया था। तो उसके लिए दवा लेने बाहर से गया था और कुछ खाने के लिए भी लेने गया था। तो वहाँ से आया, मुझे 4 गिलास की ज़रूरत थी, तो मैं उसके वहाँ पे गया, उससे कहा भैया 4 गिलास दे दीजिए। उसने कहा ठीक है ले लो। मैंने उससे लिया 4 गिलास, उसने बोला 4 रुपये हो गए। मैंने कहा नहीं भाई 2 रुपये ले लो। उसने कहा नहीं, तो मैंने उसके गिलास वापस कर दिए। बस वो गाली देने लगा, तो उसको मैंने गाली के लिए मना किया। फिर उसका दूसरा भाई, 2 और लोग खड़े थे वो। ये थी बहराइच से जकी आलम सिद्दीकी के साथ कैमरामैन सईद खान की रिपोर्ट।